जी अस्सलाम वालेकुम खौफी हज़रात, आज है जी अगस्त की 25, 2022 और दिन है आज जुमेरात रात बल्कि। अच्छा एनीवेज, तो अच्छा मैं सुबह देख रहा था एक वीलॉग किसी वीलॉगर का, तो उन्होंने उसमें जो आबद शेर अली हैं इनके नून लीग के, उन्होंने उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तलाल चौधरी के साथ। तलाल चौधरी वही जो वो तंजीम साजी वाला चवल आदमी, खैर दोनों चवल हैं लेकिन बहरहाल, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो आबद शेर अली है जो अभी काफ़ी साल यूके गुजार के आया है अपने अपने बॉस के साथ, और बड़ी वो उठ उठ के बातें कर रहा था अवाम के हक में कि जी हम नहीं देख सकते, बड़ी महंगाई है तो कुछ करें इसका, हम दस्तगीर को कहेंगे तो हम शहबाज शरीफ को कहेंगे, हम नवाज शरीफ को कहेंगे। तो आप ये पहले इन मोहतरम की ये ऑडियो सुन लें, ये मेरे ख्याल कोई 2 मिनट से कम ही है, पहले ये सुन लें तो फिर हम इस पे बात करते हैं। वरना हमारा हलकों में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ये कोई और पार्टियों के लोग नहीं है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के पास जब जाते हैं वोट मांगने के लिए, वो हमें कहते हैं कि जी हमें इस जुल्म से बचाएं आप, तो ये उनकी आवाज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। खुदारा वजीर आजम साहब, आप इस पर खुसूसी शफकत करें। आपका ये एक वतीरा रहा है, आपका ये आपने हमेशा डिलीवर किया पंजाब के अंदर, आप गरीबों के हमदर्द हैं, तो वो हमदर्दी का अंसर पाकिस्तान के गरीब आवाम को महसूस होना चाहिए, नजर आना चाहिए। महंगाई में लोग पिस रहे हैं, हमारे माए बहने नून लीग की फैसलाबाद की बेटियां लाइनें लगाकर यहाँ पे वापरा के ऑफिस में उनकी तस्गील हो रही है। मैं वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब को कहूंगा जाके प्लीज विजिट करें किसी सब ऑफिस में, पता चले कि हमारी बेटियां माए बहने किस तरह लाइन में जरीर हो, ऊपर से गर्मी है हब से। हम नहीं ये बर्दाश्त कर सकते कि मेरी बेटी अपनी जाति खड़ी हो तो मेरे लिए मानना का मुकाम है, वो भी कोई लाइन पे खड़ी हुई किसी की बेटी है, बहन है, बहू है, हमें उनका ख्याल करना होगा। खुदारा नहीं कौम को मजबूर करे कि खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाए। हम आपके नुमाइंदे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपके नुमाइंदे हैं हलकों में। ये मैं दुख भरी दास्तान अवाम की आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अवाम के नुमाइंदा होने की हैसियत से। हम हमारे में ये नहीं है कि हम लोगों के बदवाएं ने चोली उठाए, मेरी माए मेरे घर आके मुझे बदवाएं दे के जाए, ये चीज हम नहीं बर्दाश्त कर सकते जी। अच्छा सुन लिया आपने ऑडियो। आप देखें, मैं अपने पिछले वीलॉग्स में भी बारहा कह चुका हूँ कि दुनिया का हर बंदा बदल सकता है, लेकिन सियासतदान जो हैं ये कभी नहीं बदलेंगे। जो चोर है वो चोर ही मरेगा, जो शरीफ आदमी है वो शरीफ आदमी ही मरेगा, ठीक है, जो झूठा है वो झूठा ही मरेगा, ये कभी नहीं बदलेंगे। आप ये एक्सपेक्ट इस धोखे में नहीं आना। हमारी आवाम जो है ये एक तो बड़ी भोली है, आपने नून लीग को मौका दिया, उस नून लीग को करप्शन से निकाल दिया, आपने पीपी को मौका दिया उनको भी करप्शन से निकाल दिया, आपने फिर नून लीग को मौका दिया, अब फिर मौका क्या तुक बनता है। ये जो लोग हैं ना ये सियासतदान है, ये एक फ़र्क नस्ल होती है, ये नहीं बदलते। अभी ये जो बोंगिया मार रहा है आबद शेर अली इसके धोखे में नहीं आना, ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, ये एक्टर लोग हैं, ये आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। गुड कॉप बैड कॉप वाला जो सीन होता है कि हम तो अपने लीडर्स के बड़े खिलाफ बोलते हैं, हम लीडर से बात करेंगे, मेरी बहनें जो हैं वो लाइन में लगी हुई हैं, भैया बकवास बंद कर, झूठे आदमी, ठीक है ना। इनके जो ये सब सारे मिले हुए चोर का पूरा एक पलंदा है, गंदा पलंदा है चोरों का जो इकट्ठा है। अब लोग कुछ बोले लोग होंगे, यार देखो आबद शेर अली तो बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, यार ये अच्छी बातें करने से क्या होता है, ठीक है ना, ये झूठे लोग हैं। अब देखेंगे जब काम थोड़ा ठीक हो जाएगा ये फिर वैसे हो जाएगा, ठीक है ना। और तलाल चौधरी वो जो तंजीम साज था, वो किसी के घर गया था, वहाँ पर बाजू तोड़वा गया था, कुट पड़ी थी उसको, गंदे लोग हैं ये, घटिया लोग हैं। तो इनकी ऐसी
ऐसी बोंगियों से, ये ड्रामेबाजियों से, ये धोखे से आपने इसमें इसमें नहीं आना। मैं एक वो देख रहा था किसी का वीलॉग, उसने भी ये वीडियो के बारे में बात कर रहा था, ऑडियो के बारे में बात कर रहा था, है वीडियो लेकिन चूंकि वो कॉपीराइट होता है मैं उसको नहीं लगाता जो ऑडियो प्ले कर दी है। तो वो बड़ा भोलेपन से कह रहा था कि हाँ देखे ना अब शीन टूट रही है तो नून शीन बन रही है। मैं कहा यार खुदा का नाम है भोले बादशाह, कोई टूट छूट नहीं रही, ये सारे मिले में चोर याबद शेर अली, ये सब एक ही थाली के वो क्या कहते हैं उसको चट्टे बट्टे हैं, ये चोर लोग हैं, झूठे लोग हैं, ये सब ड्रामे, जितने ड्रामे पॉसिबल है ना ये सारे करेंगे, एक्टिंग भी करेंगे, ड्रामे भी करेंगे। वो शबाश सिफाएगा, वो जो है लंबे बूट पहन के वो अपने ड्रामेबाजी करेगा, इधर से ये जो शेर अली अपनी बोंगियाँ मारेगा, वो दस्तगीर आ जाएगा वो अपनी कहानी सुना देगा, ये सारे ये सब टोपी ड्रामे हैं, ठीक है ना। और मरीम कहेगी कि मेरे जो वाल साहब हैं वो उठ के चले गए वहाँ से, तो वो कहते हैं मुझे, मैं ये महंगाई नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब वो ज़माना गुजर गया, मैं पहले भी कह चुका हूँ अब 1980 नहीं है। ये इन एक्टिंग से चंद बंदे तो काबू आएंगे पटवारी, क्योंकि वो पटवारी ही हैं, पटवारी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब जो मेजॉरिटी यूथ है अब वो इन चक्रों में नहीं है। भाई आप कुछ करके दिखाएं, बातें ना करें आप। और ये याबद शेर अली खुदा का नाम है, शर्म करो, क्यों माँ को बेवकूफ़ बनाते हो। अब वो ज़माने गुजर गए आपके, अब खान आ गया, अब आपकी कहानी रैप अप हो गई है, अब आप छोड़ दें ये ड्रामेबाजियाँ कि मेरी बहनें मैं नहीं देख सकता लाइन में लगी हुई हैं। यार 30 साल से हुकूमत कर रहे हो घटिया आदमी, 30 साल से, और अब बातें कर रहे हो। तुमसे पहले कुछ नहीं हुआ, अब तुम्हें याद आ गई है, बड़ा खौफ है खुदा, ठीक है ना। ये सब झूठ है, ये सियासतदान कभी नहीं बदलेगा। जरदारी अगर 10% है तो वो चोर ही रहेगा, ठीक है ना। ये जितने हैं राजा रेंटल है, ये सब चोर हैं, ये इन्होंने नहीं बदलना। ये वो खसलत है जो जिनके DNA में लिखा गया है कि हम सियासतदान हैं, हम झूठे हैं, हम चोर हैं, हम करप्ट हैं, ये नहीं बदलने वाले। जो चोर नहीं हैं खान साहब, वो वैसे ही रहेंगे, वो आखिरी दिन तक वैसे रहेंगे जैसे हैं वो, ठीक है ना। चले मैं कह रहा था इस पर एक हो जाए कॉमेंट, आवाम जो है इन चोरों से बेवकूफ़ ना बने। तो आप भी थोड़ा सोचा करेंगे, ये बदलने वाले नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़।